अवैध कोयला खनन और तस्करी के मामले में आखिरकार सीबीआई ने पहली बार एक साथ चार कोयला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। आसनसोल और बांकुड़ा में छापेमारी कर सीबीआई की टीम ने चारों कोयला कारोबारी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इससे पहले सीबीआई ने कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। अवैध कोयला खनन एवं तस्करी कांड में सीबीआई ने अब कोयला कारोबारियों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और आसनसोल व बांकुड़ा से चार कोयला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम नारायण नंदा, गुरुपद माझी, नीरद मंडल और जयदेव मंडल हैं। ये सभी कोयला तस्करी कांड के मुख्य अभियुक्त अनूप माझी उर्फ लाला के करीबी बताए जा रहे हैं। चारों कोयला कारोबारियों को गिरफ्तार कर सीबीआई की टीम कोलकाता के लिए रवाना हो गयी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे पहले सीबीआई की टीम ने चारों कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। कुछ दिन पहले ही सीबीआई की टीम ने अवैध कोयला तस्करी कांड के मुख्य अभियुक्त लाला के ससुराल में भी छापेमारी की थी। माना जा रहा है कि लगातार की गई छापेमारी में सीबीआई को अहम सबूत हाथ लगे थे। इसके बाद ही पुलिस ने लाला के करीबी कोयला कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। सीबीआई की टीम ने पुरुलिया जिले के सातुड़ी में गुरुपद माझी के घर एवं ऑफिस समेत अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। इसके अलावा आसनसोल में जयदेव मंडल के ठिकाने पर भी सीबीआई की टीम पहुंची थी। चारों कोयला कारोबारियों की गिरफ्तारी की खबर को लेकर आसनसोल समेत पूरे सल्पांचल में हलचल मच गई है। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।